नमस्कार, हेडलाइंस इंडिया के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार। अभी हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अमिताभ बच्चन के बीच छूटे बवाल के दौरान मुंबई के संयुक्त कमिश्नर केएल प्रसाद द्वारा की गई टिप्पणियों पर राज ठाकरे के चाचा और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भी आज इस पर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी शहर के पुलिस अधिकारी द्वारा यह आज तक का सबसे गलत बयान है और उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गौरतलब है कि मराठा की बात पर अड़े राज ठाकरे के समर्थकों द्वारा शहर में अमिताभ के खिलाफ बवाल मचाए जाने के विरोध में प्रसाद इस विवाद में उतर आए थे और उन्होंने कहा था कि मुंबई किसी के बाप की जागीर नहीं है और न ही किसी व्यक्ति विशेष के चलाने पर यह चलेगी। इसी बयान के चलते आगे कई तरह के बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। यही नहीं, राज ठाकरे ने तो कमिश्नर को यह धमकी तक दे डाली थी कि अगर वह अपनी वर्दी उतार कर सड़क पर उतर आए तो उन्हें बता दिया जाएगा कि मुंबई किसकी है। जाहिर है राज ठाकरे ने इस बार सही में गुंडागर्दी वाली बातें कही और यह कहीं से भी ठीक नहीं है और न ही कोई शहर किसी व्यक्ति विशेष का है जो कि उसके कहने पर ही चले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में टाटा, तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार के बीच सिंगूर की जमीन पर उठा बवाल कहीं से भी सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। कई दिनों से राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद भी इस मसले पर कोई नया समाधान नहीं निकल पाया है। इसी के चलते राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने दोनों ही पक्षों से समझौता करने की अपील की है। उनका मानना है कि इतनी लंबी चली बातचीत में भी अगर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है तो दोनों पक्षों को ही थोड़ा थोड़ा संयम रखकर आपस में कोई समझौता कर लेना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि समझौते में कौन कितना झुकता है। पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बाकी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद हिंदी बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट टीम के कप्तान बनाए जाने की बातों पर किसी भी प्रकार के मतभेद को नकारते हुए कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें टीम का कप्तान बनाया जाता है या नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए अच्छा खेलना पसंद है और वह हर वक्त यही सोचते हैं। वीरेंद्र सहवाग के टेस्ट मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले भविष्य में उन्हीं को टेस्ट टीम की कमान सौंपी जाएगी। पर हाल ही में टीम के नए कोच गैरी कर्स्टन द्वारा जारी किए गए बयान में जिसमें कहा गया था कि उन्हें महेंद्र सिंह धोनी वनडे टीम के साथ साथ टेस्ट टीम की कमान संभालने में सक्षम दिखते हैं ने इन सभी कयासों को खत्म कर दिया था। जाहिर है देशवासी भी सहवाग से यही उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है वह सही मायनों में भी ऐसा ही सोचते हो और टीम के हर खिलाड़ी में इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए ताकि देश की टीम आपसी विवादों से परे होकर अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ये तो अभी तक की कुछ खास खबरें, पर बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।